टूलकिट मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वो जल्द ही टूलकिट पर हुई कार्रवाई पर बड़ा खुलासा करेंगे। ध्यान से देखिए इन दस्तावेज को, ये वो टूलकिट की कॉपी है जिसे गलती से ही सही लेकिन स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ने एक इंस्पॉन्सर ट्वीट के साथ अटैच कर सबकी पोल खोल दी थी। ये किसी भी देश के विपक्ष की वो चाल है जिसे देशद्रोह से कम नहीं आंका जा सकता। सत्ता हासिल करने के लिए अपने देश की छवि को खराब करने वाला विपक्ष पर्दाफाश होने के बाद बौखला गया है। आप में से अभी भी कई लोगों के लिए टूलकिट को समझना मुश्किल हो रहा होगा या लोगों को लग रहा होगा कि इसमें ऐसा क्या है जिससे देश और विपक्ष इतना हड़बड़ा गया है, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। जी हाँ, तो हम आपको बता देते हैं कि टूलकिट का मतलब क्या होता है। दरअसल किसी आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है, उसका प्रभाव कैसे बड़ा दिखाना है, पूरी एक टाइमलाइन होती है जिसमें योजनाबद्ध तरीके से क्या करना है वो लिखा होता है। जो लोग इससे जुड़े होते हैं उनके पास टूलकिट की एक कॉपी होती है। आपके स्क्रीन में टूलकिट की जो कॉपी दिखाई दे रही है वो कुल 8 पन्नों की है, जिसकी हेडिंग में सॉलिडेटरी विद इंडियन फार्मर्स ट्विटर स्ट्रोम, यानी कि ट्विटर के जरिए कैसे भारतीय किसानों की समस्याओं का समाधान करना है। लेकिन ये ट्वीट स्ट्रोम के नाम पर विदेशी ताकतों द्वारा भारत का दुष्प्रचार, देश की छवि को खराब करने के लिए किया जा रहा है। इस दस्तावेज में देखिए कि कैसे ट्वीट करना है, क्या हैशटैग यूज करने हैं और किसे टैग करना है। साथ ही कुछ फोटो भी दिए गए हैं जिसे ट्वीट में इस्तेमाल करना है, ये सब बताया गया है। और देखिए ऐसा हुआ भी। अब आप इसका सपोर्ट पार्ट देखिए, जिसमें सबसे ऊपर ही ग्रेटा के साथ रिहाना जैसी इंटरनेशनल सेलेब्स का नाम है जिसके द्वारा बकायदा ट्वीट करवाया गया है। तो क्या ये सारे ट्वीट भारत और किसानों की चिंता के लिए किए गए या फिर एक सोची समझी साजिश के तहत? मामला साफ है। इसके अगले पन्ने में सजेस्टेड पोस्ट भी दिया गया है जो इन लोगों को अपने ट्वीट पर करना था, जिसमें कैसे किसको टैग और हैशटैग का प्रयोग करना है दिया गया है। साथ ही और नीचे आएंगे तो वो फोटोज भी दी गई है जो इन लोगों को अपने ट्वीट पर लगानी है। उदाहरण के लिए पॉपस्टार रिहाना के इस ट्वीट को देखिए। साथ ही देखिए टूलकिट पे रिहाना को कौन से ट्वीट में क्या लिखने और किसे ट्रैक करना है जिसके लिए उनको पैसे दिए गए थे। टूलकिट में लिखी एक एक लाइन इस ट्वीट में मिलती है। इसी तरह से सपोर्टर्स के लिए टाइमलाइन तैयार की गई है कि किसको टैग करना है, किसके लिए क्या ट्वीट करना है। हालांकि दिल्ली पुलिस एफआईआर के बाद देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन नाम के एक एनजीओ ने ये टूलकिट तैयार की है। इस एनजीओ के तार खालिस्तान से जुड़े हुए हैं। कुछ और दस्तावेज हैं जो ये साबित करते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा संयोग नहीं बल्कि विदेशी ताकत के हाथों देश को बदनाम करने के लिए की गई सोची समझी साजिश थी। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट।